13 सीटों पर यूपी में अजय आलोक को दिखाइए, और जो बिहार की सीटें हैं 5 की 5 हाई प्रोफाइल सीटों पर ये वोटिंग होने वाली है अजय आलोक, और लगभग माना जा रहा है कि इस फेज के अंत तक ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। किस तरह की उम्मीद आप लोग रख रहे हैं? और जो विपक्ष का ये बार बार कहना है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, तमाम मुद्दे महंगाई से बेरोजगारी का वो उठा रहे हैं, आपको झटका लगेगा। देखिए ऐसा है कि झटका किसको लग रहा है, झटका खाखा के लोग सुधरने को तैयार नहीं है और दूसरे उम्मीद कर रहे हैं कि हमें झटका लगेगा। अंजना जी, आज पोलिंग खत्म होगी और ये तीसरे चरण का पोलिंग खत्म होने के, चौथे चरण की पोलिंग खत्म होने के साथ हम अपने 400 पार के लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके, सरकार तो बन जाएगी अभी। अब बाकी बचा 3 फेज जिसमें हमें अपने 400 पार के लक्ष्य को पूरा करना है, जो कि निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब इस बात की आशा कर चुके हैं। और वैसे भी राज्य देख लीजिए, ये उन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां पहले से मजबूत स्थिति में, और उन राज्यों में भी हो रहे हैं जहां पिछली बार हमारा खाता नहीं खुला था, जैसे कि आंध्र प्रदेश। वहां हम अच्छी खासी अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं, 6 सीटों पर लड़ रहे हैं हम, और हमारा गठबंधन वहां पे बहुत मजबूत स्थिति में है आज की तारीख में। तेलंगाना में हम 10 से ऊपर जीतेंगे हर हालत में, तेलंगाना में बंगाल में तो मैंने आपको पहले भी कहा था, 3 महीने पहले भी, तेलंगाना में 10 से ऊपर, तेलंगाना में हर हालत में 10 से ऊपर। अच्छा, 10 से ऊपर जीतेंगे तेलंगाना में 10 से ऊपर, और सबसे बड़ा चौंकाने वाला नतीजा देगा आपको पश्चिम बंगाल। ये सब आप देखते जाइए, कल चौथा चरण है, 3 चरण और है। मैं कोई नंबर्स प्रेडिक्ट तो हम लोग कर ही चुके हैं 400 पार, लेकिन कल की हमारी उम्मीद है कि 95 में हमारा क्लीन स्वीप होगा। पिछले बार 42 जीते थे, इस बार इस 95 में कम से कम 70। अतुल साहब, अब आपकी बारी है, मोर्चा संभाल लिए, 42 सीटें बाकी, जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है चौथे चरण में उनमें 42 सीटें आई थी बीजेपी की। तेलंगाना जैसी जगहों पर वो बहुत ज्यादा मीटियोरिक गेन की बात कर रहे हैं, और पिछली बार भी हुआ था 14 में 1, वहां से वो पहुंच गए 4 पर 19 में। अब वो कह रहे हैं यहां से डबल होते हुए 10 पार कर जाएंगे। यूपी को लेकर वो आश्वस्त है, बिहार को लेकर भी। देखिए, बोलने के लिए पैसे थोड़े लगते हैं अंजना जी, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे फिर? पवार जी, उद्धव जी, हमारे साथ आ जाइए, आपके सपने पूरे होंगे। क्यों एकनाथ शिंदे और अजित पवार से काम नहीं बन रहा है? लोगों ने क्या जवाब देना है दे दिया है, लोगों ने ये तय कर लिया है, साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। तो ये इनकी परिस्थिति है। आज देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार स्टैंड बदला है, प्रधानमंत्री जी कितनी बार हिंदू मुसलमान इसके ऊपर आ चुके हैं, अपना कारण ही बता रहे हैं। लेकिन जितना असमंजस और जितना भ्रम कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे फैला सकते हैं उसको लेकर वो सारी कोशिश कर रहे हैं, उसका तो आपने फैक्ट चेक कर लिया तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मीटिंग्स में जिस तरह से लोगों की भीड़ कम होते जा रही है और जिस तरह से बौखलाहट प्रधानमंत्री जी की दिख रही है, ये साफ स्पष्ट कर देता है कि इन्होंने हार मान ली है। अब ये मुजबानी बात करने के लिए कौन रोक सकता है? अंजना जी, तेलंगाना में 10 सीटों के ऊपर की बात कर पूरा करने दीजिए। अब कौन इस बात को मानेगा? कौन इस बात को मानेगा? वो तो आंध्र प्रदेश में भी बहुत उम्मीद से है, क्योंकि वहां पर टीडीपी के साथ उनका अलायंस इस बार हुआ है। पिछली बार 22 आरसीपी को 22 आए थे, टीडीपी को 3। इस बार टीडी की परफॉर्मेंस पर हर कोई दाव लगा रहा है, तमाम पोस्टर्स भी लगा रहे हैं, और टीडीपी के साथ वो वहां भी अलायंस में लड़ रहे हैं। छोटा सा एक कमेंट अतुल जी, फिर आ रही हूं आज आलोक। देखिए, ये आंध्र प्रदेश में फुल स्टेट का पैकेज, स्पेशल स्टेटस देने वाले थे, दिया इन्होंने, क्या जवाब देंगे वहां पर जाकर? अभी जनता तो मतदान कर रही है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और जिस तरह से इन्होंने लोगों को गरीब करके रखा है उसके ऊपर मतदान हो रहा है, और जिस तरह से इस देश के संविधान को धोखा पहुंचाने की बात हो रही है, क्या कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, लल्लू सिंह को कहा, अरुण गोविल जी को कहा, मिर्जा जी को कहा? किसी को नहीं किया दिया, मिर्जा जी को किसी को नहीं कहा। 6 लोग ऐसे हैं अनंत हेगड़े से लेकर जिन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने तो पोल खोल के रख दी, वन नेशन वन लीडर, सबको निपटा दिया 75 साल की उम्र के हिसाब से, आडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर। और अभी वो अतुल साहब, इन्हीं सीटों पर आपको सिर्फ 6 आई थी पिछली बार, और बीजेपी बार बार कह रही है कि डबल डिजिट क्रॉस करना कांग्रेस के लिए फिर मुश्किल है। मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि ये 200 के अंदर जा रहे हैं, हम 150 पार कर रहे हैं,
और इस बार और 19 में बहुत फर्क है। 19 में जो झांसा दिया था ना, उसकी पोल सत्यपाल मलिक जी ने खोल दी कि ये इस देश के प्रधानमंत्री और भाजपा किस स्तर पर जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव के लिए क्या जी। प्रोग्राम है एक अभी छोटा तक सा जवाब फिर नरेंद्र मैं मोदी जी जाऊंगी, ने बताया नहीं है। बाकी दोनों 19 की मेहमानों पोल के जो पास, है वो पूरी खोल चुके। बाकी दोनों मेहमानों अंजना के जी, पास। हाँ। अंजना जी, अंजना जी, विपक्ष की मानसिकता आप इसी से समझ लीजिए कि ये हराने के बावजूद भी हमको कह रहे हैं कि हम 200 के अंदर रहेंगे और हम 150 पार करेंगे, मतलब तब भी यही हमें जिता रहे हैं। क्या कहने हैं इनके? 220, अरविंद केजरीवाल 220 से 230 देते हैं, राहुल गांधी 150 पार नहीं करवाते हैं, अतुल लोंडे पाटिल राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, 200 के अंदर रखते। मतलब आपसे 4 मिनट बात में इन्होंने एक बार भी कांग्रेस पार्टी का नाम भी नहीं लिया। अब करेंगे भी क्या, लेंगे भी कैसे? 54 साल की मिसाइल 21 बार लॉन्च होकर बार बार डिफ्यूज हो जाती है, कभी एक्सप्लोड करती नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारे? पूरी कांग्रेस डिफ्यूज हो चुकी है, बेचारे 54 साल के मिसाइल को बार बार देखते हैं कि कब एक्सप्लोड करेगा, कब एक्सप्लोड करेगा। वो टेक ऑफ करता है, 21 बार टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ डिफ्यूज, यही इनकी कहानी है। निराशावादी मानसिकता से भरे हुए लोग हैं, इनसे क्या बात करूं? देश आगे जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूती के साथ बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, और जहां तक ये निपटाने की बात, पूरा विपक्ष निपट गया भाई साहब, बचा कौन? सब तो निपटे ही हुए हैं। अपनी चिंता करिए ना, थोड़ा अपने पे बात कर लीजिए। हमें क्या जरूरत है आपके मैनिफेस्टो पे बात करने की? सड़ा गला मैनिफेस्टो लेके आए, या किस मैनिफेस्टो से पाकिस्तान में चुनाव लड़ते, हिंदुस्तान में क्यों आगे चुनाव लड़ने? देखिए अजय आलोक जी, मैं तो महीने भर घूमी हूं पूरे देश के अलग अलग 100 सीटों पर। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर के बनने से खुश है, गदगद है, और 400 पार का पीएम का नारा भी लोगों की, कई लोगों की जुबान पर मुझे सड़कों पर मिला। लेकिन बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर जगह लोग उठा रहे हैं। हालांकि ये भी एक सच्चाई मुझे दिखी कि कई युवा कहते थे बेरोजगारी, फिर पीएम किस पर भरोसा है तो नरेंद्र मोदी का नाम लेते थे। क्या लीडरशिप क्राइसिस, जितना भी आप अतुल लोंडे पाटिल साहब आप कहें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे 2004 में क्या हुआ था, लेकिन लोग भरोसा किस पर करते हैं, किसके नेतृत्व पर, यह भी बहुत मायने रखता है। छोटा सा आपका कमेंट फिर मैं बाकी दोनों के पास जाऊंगी। जो हम 1 लाख गरीब महिला को देने की बात करते हैं, हम 30 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, हम किसान को एमएसपी देने की, लीगल एमएसपी देने की बात करते हैं, किसान का कर्जा माफ करने की बात करते हैं, हम आशा आंगनबाड़ी दीदी की बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, हम श्रमिकों की बात करते हैं, तो ये कहते हैं उसको सड़ा गिला। ये कहते हैं पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान में बिना बुलाए बिरयानी खाने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, बिना बुलाए आईएसआई को 70 साल में पहले बार आपने पठानकोट में इंक्वायरी करने, इन्वेस्टिगेशन करने बुलाया था। ये धंधा कभी कांग्रेस ने नहीं किया, जब वक्त आया तो दो टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे। तो सवाल यहां पर यह है कि इनके पास प्रोग्राम क्या है? इनके पास प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। अग्निवीर दिया इन्होंने बच्चों को अग्निवीर दिया, और ये कहते कि 75 साल की उम्र का हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है, हमारे संविधान में कुछ लिखा नहीं है बीजेपी के, तो बीजेपी के संविधान में फिर अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, सबको निपटाने का लिखा था क्या? डॉक्टर रमन सिंह तक। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये देश के सामने खुलकर सामने आ गई है। और 2019 में पुलवामा में इन्होंने किस तरह से 40 जवानों के शहीदों पर चुनाव लड़ा था, ये भी जनता के सामने आ चुका है। तो ना तो प्रोग्राम है, महंगाई में लोग पिस चुके हैं, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है, और इसी का जवाब जो है वो केवल और केवल कांग्रेस के पास है। ये राहुल गांधी जी ने जो 4200 किलोमीटर के पैदल चले और मणिपुर से मुंबई तक चले ना, तो लोगों ने जिगरा देख लिया है कि नेतृत्व क्या होता है। जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर वहां उनकी इज्जत लूटी गई ना, अस्मत लूटी गई, तब वहां राहुल गांधी जी गए थे उनका सांत्वन करने, उनके पीठ पर हाथ रखने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने जाने की हिम्मत नहीं की। 370 की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर में इनमें हिम्मत नहीं कि कश्मीर में ये चुनाव लड़े। तो ये सारा इनका जो ढोकसला है, ये ढकोसला लोगों ने पहचान लिया है, और इसीलिए इनको हर जगह जो है कहते घूमना पड़ रहा है कि आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे साथ, जबकि एनडीए नाम की कोई चीज नहीं रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो पुरजोर तरीके से लोगों का एजेंडा लेकर लोगों के साथ ये चुनाव लड़ रहा है, तो देखना नतीजे क्या आएंगे। राजीव रंजन जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए आए हुए हैं। राजीव रंजन जी, गिरिराज सिंह से लेकर नित्यानंद राय, 5 सीटें हाई प्रोफाइल सीट्स जहां पर बिहार में इस बार वोटिंग होनी है, वहां पर क्या आपको लग रही है स्थिति डावाडोल हो सकती है? क्योंकि जो विपक्ष का गठबंधन है वहां पर, हालांकि आप ही लोग उठ के इधर आ गए, लेकिन वहां पर कांग्रेस और जेडीयू, माफ कीजिएगा आरजेडी, क्या टफ फाइट नहीं दे रही? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी पिछली बार एनडीए के साथ थे, इस बार भी एनडीए के साथ है। 2019 के जो नतीजे हैं, 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होंगे, ये 5ों सीटें हमारी, 3 सीटें बीजेपी लड़ रही है, 1 सीट वहां एलजेपी लड़ रही है, और 1 सीट हम लोग लड़ रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात है कि जो पूरे विमर्श में जो चीजें सामने उभर करके आती है, कई बार जब हम लोग इंडिया ब्लॉक पे भी थे,
तो एक्सपर्ट्स बोलते थे महंगाई बेरोजगारी हर शासन के खिलाफ एक बड़ा सवाल होता रहा है, लेकिन इस सवाल को इंडिया गठबंधन ने नैरेटिव बनाने में कामयाबी हासिल की, जनता के का नैरेटिव गढ़ने में ये कामयाब नहीं होता है। और इसीलिए जो सवाल है उस पर लोग बराबर देखते हैं कि इन 70 वर्षों में जिनके पास 55 साल रहे उन्होंने क्या किया, जिनके पास 10 साल है उन्होंने क्या किया। जब ये दो कालखंड है, दो सत्ता के जो शासन के दो मॉडल है, इन मॉडल का जो फर्क है जब जनता वो देखती है तो पूरी तरह से वो आश्वस्त हो जाती है कि अगर कुछ कमियां रही भी होंगी तो भी बेहतर अगर कोई नतीजा दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही दे सकती है। और इसीलिए कई ऐसे सवाल, केवल बेरोजगारी और महंगाई नहीं, इन सवालों पर तो कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इन सवालों पर बोलने के, इसलिए कि इन्होंने लंबा वक्त 3 राज्यों के चुनाव में केवल अपनी साख बचाने में गवाया। राजीव, और वोटिंग परसेंटेज में बिहार इतना पीछे क्यों रह रहा है, इसकी क्या वजह है? सब इसको डिकोड कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, आप बताइए बिहार में इतना वोटिंग परसेंटेज पीछे क्यों रह रहा है? देखिए ऐसे ही अगर नहीं है लोगों में, अंजना जी आप चूंकि पूरे देश में घूम रही हैं, निसंदेह मैंने आपको रिपोर्टिंग के दौरान देखा है किस तरह से चिलचिलाती धूप में आपने काम किया है। मौसम का असर पूरे देश पर है और उसका नुकसान थोड़ा हुआ है, लेकिन पिछले चरण में जो बंगाल में थोड़ी गर्मी कम है सर, बंगाल में गर्मी कम थोड़ी है, बशीरहाट गई थी वहां पर तो इंसान खड़ा खड़ा मतलब इवेपोरेट कर जाए, ऐसी गर्मी है बंगाल में। आप देखिए वोटिंग, हर प्रदेश की अपनी अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मतदान एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य है और इस चरण में मैं भी कहूंगा कि सबको आकर मतदान करना चाहिए, उन्हें चुनना चाहिए कि कौन उनका नुमाइंदगी उनकी नुमाइंदगी करेगा, कौन उनके सवालों को उठाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप पूरे देश में देख लीजिए, इंडिया गठबंधन का कोई स्वरूप चुनाव में आपको नहीं दिखेगा, कोई साझा रैली नहीं, लोग जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूती से सहायता नहीं मिल रही। हमारे यहाँ क्या है, हर रैली में हर कार्यक्रम में सभी दलों के नेता एक दूसरे के साथ मन साझा कर रहे हैं, जमीन पर कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसीलिए बेहतर नतीजों के लिए हम आश्वस्त। ठीक है, मैं लॉटरी, महाराज जायसवाल जी सबसे दिलचस्प पश्चिम बंगाल की इस बार वाली लड़ाई है, मतलब अगर विपक्षी एकजुटता में सबसे ज्यादा चोट कहीं से लगी तो वो पश्चिम बंगाल ही था, बहरामपुर से जहां पर अधीर रंजन चौधरी है वहां पर आपने यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है। दिलचस्प लड़ाई होगी यही कि अधीर बाबू ही सबसे ज्यादा ममता जी के खिलाफ बोल रहे थे। अब आप आ जाइए आसनसोल जहां से शत्रुघ्न सिन्हा है, दुर्गापुर जहां से कीर्ति आजाद है, एकदम हाई वोल्टेज कृष्णनगर जहां से महुआ मोहित्रा लड़ रही है, बहुत दिलचस्प लड़ाई है। लेकिन जो बंगाल से मैसेज गया विपक्षी गठबंधन के बिखरने का, क्योंकि ममता दी उसका चेहरा थी, अगर नीतीश के बाद कोई चेहरा था तो ममता जी थी, वो टूट गया एकदम। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है इंदिरा जी। बहरहाल टूटा नहीं, हमको पता है भदोही में भी हम लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन साथ में है। हाँ। जहां तक बंगाल की बात है, अधीर रंजन चौधरी इतने अधीर हो चुके थे अपने गड्डी के लिए, वो भूल जाते थे कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो ज्यादातर बीजेपी का, जैसे आज हमारे भाई है आलोक जी, कुछ साल कुछ महीने पहले जैसे प्रवक्ता थे तो आज वो बीजेपी के ही प्रवक्ता दिखते हैं अधीर रंजन चौधरी। और जहां तक बात है हम जेडीयू की, राजीव रंजन भाई साहब की मैं बहुत बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। उन्होंने बोला कि महंगाई और बेरोजगारी नरेटिव विपक्ष दे नहीं पाई। भैया ये नरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। बेरोजगारी और महंगाई की जो मार पूरे देश और पूरे युवान ने झेली है, ये नरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। और नरेटिव जो है वो है आपका मैंने टोटल भ्रष्टाचार पूरे देश के, जितने भी आलोक जी बोले ना कि विपक्ष तो पूरा चिलमिल हो गया, विपक्ष में रहा ही कौन, अरे कैसे रहेगा, जितने विपक्ष के जो बड़े बड़े भारी भरकम बोझ थे जिसको लेके मोदी जी 10 बार खाना खाते थे सुबह से शाम तक, आज वो उन्हीं के साथ उन्हीं के गद्दी में उन्हीं के नाव में सवार हैं, आपके साथ हैं। अब कैसे बोलेंगे कि भाई अजीत पवार जी 70,000 करोड़ चक्की पीसी, नहीं बोल पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी नारदा शारदा भास शुभेंदु भास, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जहां तक बात अंजना जी बंगाल की है ना, यूसुफ पठान जी देश के नेता है, महुआ मोहित्रा जी देश की नेत्री है, और शत्रुघ्न सिन्हा जी का परिचय कीर्ति आजाद जी के कहे नेता है कि क्रिकेटर है,
ये बिल्कुल नेता है, आज वो नेता है ना। अरे सर, वोटिंग के एन पहले, वोटिंग के एन पहले आप अधीर बाबू को कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता बन के बोल रहे हैं, अतुल जी को बुरा लग रहा होगा कि नहीं, अंदर से तमतमा रहे होंगे। देखिए, जिस तरीके से अधीर रंजन जी ने अपना परिचय पूरे कुछ दिनों में दिया है, उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोला ही क्या, तो बंगाल कांग्रेस को जिस तरीके से उन्होंने शून्य तक लाने में बड़ी 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 संघर्ष की है, वो दिख रहा है। आज बंगाल में कांग्रेस शून्य हो गया, ये अधीर रंजन चौधरी की देन है। वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चिंतन करना होगा कि अधीर रंजन चौधरी की अधीनता का क्या परिणाम निकले और क्या वो करे।